नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के फूसगढ़ रोड स्थित एमडीडी बाल भवन में, जहां पर हज़ारों बच्चों को रखा जाता है, उनकी परवरिश की जाती है, उनकी अच्छी देख रेख की जाती है और उनको स्किल्स भी उनकी डेवलप की जाती है, जो उनके अंदर का टैलेंट होता है उनको निखारा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो आप तस्वीरों के माध्यम से एक बिटिया देख रहे हैं, एक लड़की देख पा रहे हैं, मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहूँगी जिसका नाम कलिस्ता है, जो कि झारखंड की रहने वाली है। हालांकि 2016 में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत इनको यहां पर रखा गया था, चाइल्ड लाइन वालों ने रेस्क्यू किया था क्योंकि ये चाइल्ड लेबर कर रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों 2016 से लेकर आज 2021 तक ये यहाँ पर रही हैं और आज मालूम चला है कि ये झारखंड की रहने वाली हैं। और एक खुशी की बात ज़रूर है क्योंकि एक तरफ जहाँ पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मची हुई है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खुशी की लहर जो है कलिस्ता के लिए भी यहाँ पर है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी एक खुशी की बात इस वजह से हो जाती है क्योंकि जब किसी का कोई बच्चा घर से गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, चला जाता है, जिसकी सालों साल कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो माँ बाप के ऊपर क्या कुछ बीतती है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। हम ढेरों ऐसी हर रोज़ आपको खबरें दिखाते हैं जिसमें किसी के पिता गुम हो जाते हैं, किसी की माता गुम हो जाती है, लेकिन जिसके बच्चे गुम हो जाते हैं उन माता पिता का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और 2016 से जो जानकारी हमें मिली है कि झारखंड की ये रहने वाली है, झारखंड की हुरमंदा टोली जो है नाम बताया जा रहा है, ये एक गांव का नाम है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट से है और झारखंड से है। जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि जो जानकारी हमें मिली है उसके तहत ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कलिस्ता को उसके चाचा झारखंड से यहां पर ले आते हैं, यानी कि हरियाणा में ले आते हैं और इसको चाइल्ड लेबर के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर CWC की टीम और चाइल्ड लाइन की हेल्प की वजह से, उनकी मदद की वजह से कलिस्ता के बारे में जानकारी निकलती है, कलिस्ता को रेस्क्यू किया जाता है। सबसे पहले कलिस्ता की काउंसलिंग की जाती है क्योंकि CWC का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। आज तक बहुत सारे बच्चों को उनके माता पिता तक पहुँचाने की बात हो या फिर उनको एक बेहतर जीवन देने की बात हो, क्योंकि अगर कोई लड़का हो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन एक लड़की के साथ क्या कुछ हो सकता है। समाज की मैं बात करूं, बहुत कुछ गलत काम लड़कियों के साथ होते भी आए हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कलिस्ता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको 2016 में रेस्क्यू किया गया था जब इनकी उम्र महज 8 से 9 साल थी। और 8 से 9 साल का बच्चा कितना ज़्यादा मासूम होता है, ना तो उनको कोई ज़्यादा जानकारी होती है इस उम्र के बच्चों को। और जब कलिस्ता को रेस्क्यू किया गया था तब ये अपने गांव के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बताने में इतनी सक्षम नहीं थी। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड जैसे एरिया से, झारखंड जैसे राज्य से जब कोई बच्चा करनाल आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, तो किस तरीके से ये बेचारी सहम गई होगी, घबरा गई होगी। और जब CWC की टीम पहुँचती है और इसको रेस्क्यू किया जाता है, उसके बाद 2021 में मैं आपको बताना चाहूँगी, आज यानी कि 5 साल बाद कलिस्ता के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। जो CWC के चेयरपर्सन हैं उमेश चानना जी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि आज जो है काउंसलिंग करते वक्त, क्योंकि काउंसलिंग समय समय पर ऐसे बच्चों की जाती है ताकि कभी भी जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं अगर इनके माता पिता के बारे में पता चल पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। तो जैसे ये फाइल्स खोल रहे थे तो उसके बाद नाम निकल कर सामने आता है कलिस्ता का। कलिस्ता से भी काउंसलिंग की गई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले उमेश चानना जी ने किनसे बात की, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद कलिस्ता के बारे में जानकारी निकल कर आई 5 साल बाद कि आखिर ये झारखंड से हैं, और किस तरह तरीके से इस बात की पुष्टि हुई, इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है IBN 24 पर और आपको बहुत बहुत बधाई है क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चों को आप उनके माता पिता तक पहुंचा पाए। कलिस्ता के बारे में कैसे जानकारी मिली? जी बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में एक जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बच्चा अपने घर पर पहुँचता है। जी। कलिस्ता के बारे में
हम लोग फाइल्स चेक कर रहे थे जो आउट ऑफ स्टेट बच्चियां हैं हमारे पास, तो उसमें जब हर 3 महीने बाद ये फाइल्स हमने चेक करनी होती हैं, उसमें इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया जाता है, लगातार इनकी काउंसलिंग चलती है, जो MDD बाल भवन में काउंसलर है वो लगातार इनका काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग करते करते उसने एक हुरमुंडा टोली इसका गांव का नाम उसमें लिखा हुआ था। बाई चांस मैंने जब बच्चे से पूछा कि भी ये हुरमुंडा टोली क्या है, तो इसने एकदम से आंखें इसकी चमक गई और इसने कहा कि हुरमुंडा टोली मेरे गांव का नाम है। अच्छा। तो मैंने नेट में से सर्च किया हुरमुंडा टोली, तो हुरमुंडा टोली आया लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। मैंने लातेहार SP से बात की, उन्होंने तुरंत से अपने एक SHO की ड्यूटी लगाई और थोड़ी सी बात बच्चे से भी की। बच्चे से बात करते करते उन्होंने कहा कि भाई वो SHO शायद इन्हीं के गांव का है। तो SHO से बातचीत हुई, SHO कहने लगा जी प्योर नक्सलाइट एरिया है और मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। 2 घंटे बाद उन्होंने जाकर बच्ची के माँ बाप से बात करवा दी। सर, 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि हरियाणा में रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत ये मिली थी? जी, एक्चुअली क्या है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहते हैं, कहीं भी बच्चे से लेबर नहीं कराई जाए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहीं भी कोई बच्चा आपदा विपदा में ग्रस्त हो तो हमारे लोग लगातार इस काम पे लगे रहते हैं कि वो लोग बच्चों को रेस्क्यू करें। चाइल्ड लाइन ने वहाँ इसको चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके हमारे पास दिया। तो उस वक्त जो हमारी CWC की टीम थी उन्होंने इसको MDD बाल भवन में आश्रय दिया। आश्रय दे के और 5 साल तक इसकी लगातार काउंसलिंग होती रही। उस काउंसलिंग में थोड़ा बहुत निकला, थोड़ा बहुत नहीं निकला, क्योंकि बच्चे का ये नहीं पता होता है कि वो किस दिन बताएगा। सर, 2016 में क्या उम्र थी कलिस्ता की? 9 साल जी। 9 साल, 9-10 साल की उम्र थी जी। 9-10 साल की उम्र में ये चाइल्ड लेबर करते हुए तो हमने रेस्क्यू किया। बताने के लिए सक्षम नहीं थी, ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि 9-10 साल की उम्र में बच्चा कुछ ज़्यादा अपने विषय में बता नहीं पाता। बेटी है, घबरा गई होगी। जी जी जी, हमेशा बच्चा घबरा जाता है, तो घबराने के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बोलता है। तो अब क्या एज है कलिस्ता की? 14-15 साल उम्र है। जी जी, तो उसी उम्र के मुताबिक अभी इसको वहाँ भेजा जाएगा। हम लोग SP करनाल को लिखेंगे, SP करनाल फिर इसको भेजने की व्यवस्था करेंगे। आप लोग भेजेंगे, यानी कि पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं झारखंड से? वास्तव में वो बहुत इस हालत में नहीं हैं कि करनाल आ पाएं और लेके जा पाएं, तो इसलिए हम लोग इनको खुद ही भेजेंगे। और कितनी उम्र के बच्चे यहाँ पर रहते हैं MDD बाल भवन की बात करूँ? 0 से 18 जी। 0 से 18 साल? 0 से 18 भी नहीं, आप 6 से 18 लगा लीजिए, क्योंकि 0 से 6 साल तक के वो बच्चे स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज में रहेंगे। तो सर, पिछले 5 सालों में शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा वगैरह ग्रहण किया कलिस्ता ने यहाँ से? बिल्कुल, आज की स्थिति में कलिस्ता 6ठी क्लास में पढ़ रही है और सिलाई का काम जो कि बड़ा ही अच्छा कर लेती है, ये एक उसकी उपलब्धि है। उसी की नहीं उपलब्धि है, MDD बाल भवन की भी उपलब्धि है, जिन्होंने उसको सिलाई का काम सिखाया। सर, एक लास्ट में एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जब माँ बाप से कलिस्ता ने बात की तो खुश थी, रोने लगी, या माँ बाप का क्या कुछ रिएक्शन था? बिल्कुल खुश थी और आंखों से आंसू छलक उठे। माँ बाप की आवाज़ भी रूंध गई कि हमारी बच्ची हमें मिल गई है। गरीबी का वहाँ इतना बुरा हाल है कि मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आपकी बच्ची आपके पास आई नहीं तो आपने क्या कोई FIR दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि जी थाना हमारे से बहुत दूर है और हम लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी के चलते वहाँ भी नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए हमने कोई FIR भी दर्ज नहीं करवाई थी। तो उस समय ये पढ़ती तो नहीं होगी शायद? जी नहीं, पढ़ती नहीं थी। तो यहाँ पर इसकी सारी शिक्षा का ख्याल रखा गया, 6ठी कक्षा में आज ये पढ़ती हैं, कलिस्ता इनका नाम है, खुशी आज इनको महसूस ज़रूर हो पा रही है क्योंकि वापस ये झारखंड अपने माता पिता के पास जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 साल में तो शायद कोई भी माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य हो वो यही समझ लेता है कि अब शायद मुझे मेरा जो परिवार का सदस्य जो पिछले 5 साल पहले गुम हो गया था, गायब हो गया था, जिसकी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाई थी, शायद वो अब कभी हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन कलिस्ता अब अपने परिवार के पास, अपने माता पिता के पास
पास वापस जाएगी। एक बार कलिस्ता से ही बातचीत जरूर करना चाहेंगे क्योंकि आज कलिस्ता बहुत ज़्यादा खुश है और करनाल वालों के लिए भी एक खुशी की बात है कि एक बच्चा जो पिछले 5 सालों से करनाल में रह रहा था वो अब अपने माता पिता के पास जाएगा। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की भी बहुत ज़्यादा ताकत इस बात में देखने को मिलती है कि एक परिवार का सदस्य उनके परिवार तक पहुँच पाता है। कलिस्ता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। क्या एज है अभी आपकी? अभी 15। 15। तो झारखंड से आप यहाँ पर आए थे हरियाणा में? हाँ जी। किसके साथ आए थे? वहाँ से चाचा लेके आए थे जी। और यहाँ पर क्या किया आपने हरियाणा में आके? यहाँ पे एक उसमें काम में लगा दिया था चाचा ने, फिर वहाँ से किसी फैक्ट्री वगैरह में? हाँ जी। फिर वहाँ से पुलिस वाले लेकर आए। तो कितने सालों से यहाँ पे? 5 सालों से ऑफिस। हाँ जी। तो आप पहले झारखंड में पढ़ाई करते थे? नहीं जी, दूर थे ना इसलिए भेजते नहीं थे। दूर थे, भेजते भी नहीं थे। तो कुछ पैसे की भी तंगी थी वहाँ पर शायद? हाँ जी। तो क्या क्या करना चाहते हो अब आगे? घर जाना चाहते हो अब अपने माता पिता के पास वापस? हाँ जी। खुश हैं अभी आप? हाँ। बात हुई है आपके आपके माता पिता से? हाँ जी। तो बात हो चुकी है, खुश हैं, वापस जाएंगे। और मैं परिवार वालों की स्थिति के बारे में भी बताना चाहूँगी। झारखंड में माता पिता हैं कलिस्ता के, गरीब हैं काफ़ी और इतने सक्षम नहीं है कि झारखंड से, और लॉकडाउन भी क्योंकि लगा हुआ है कि वो हरियाणा आ जाएं, लेकिन CWC और MDD बाल भवन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। करनाल के SP को भी एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी जिसके बाद कलिस्ता को झारखंड उसके परिवार वालों तक मिलवाया जाएगा। करनाल के MDD बाल भवन से संस्थापक हैं सर, क्या नाम है आपका? क्या कुछ बताना चाहेंगे? कलिस्ता आज अपने घर वापस लौट कर जा रही है, इससे पहले कितने बच्चों को आप उनके माता पिता तक पहुँचा पाए हैं? मैं PR नाद है, इस MDD बाल भवन के फाउंडर हूँ। कलिस्ता आज बहुत खुश है, हम भी खुश है, क्योंकि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल चुका है, उनके पास हम भेजने की तैयारी हो रहे हैं। और ये 5 साल पहले चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू करके हमारे पास आया CWC के द्वारा। उस टाइम से हम उसको पूछताछ कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं लगातार, बल्कि वो बता नहीं पाया। कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी CWC के काउंसलिंग में इन्होंने अपनी गांव का नाम याद आया, उसी टाइम उस गांव का नाम ट्रेस आउट करके आज इनका एड्रेस मिल चुका है, पेरेंट्स से बात हो चुका है। कलिस्ता भी खुश है, हम भी खुश है, बल्कि एक बात में हम दुख भी है, हमारा एक परिवार की एक बेटी हमसे दूर हो रही है, एक होनहार बेटी। हाँ जी, एक बिल्कुल होनहार बेटी। अब कितने बच्चों को MDD बाल भवन की बात करूं अब तक घर पहुंचा चुका है? MDD बाल भवन पिछले 22 साल से चल रहा है, इस 200-250 बच्चों को अपने परिवार से मिला चुका है हमने। इससे पहले इसे 4 साल के बाद एक लड़की को हमने मध्य प्रदेश में मिलाया, जिस दिन हमने थाने की एड्रेस ढूंढ कर थाने में फ़ोन किया, उस दिन उसका पेरेंट्स को बुलाया हुआ था, इनकी FIR कैंसिल करो क्योंकि बेटी मिलना नहीं है। उसी दिन हमारा फ़ोन गया, वो भी बहुत खुश होकर गाड़ी भर के इधर आके गुड़िया को लेके गया। ऐसे ऐसे कई केसेस है, 4 साल 5 साल 2 साल के बाद हम गुड़िया को उनके पेरेंट्स तक पहुंचा चुका है। बात है, खुशी की बहुत बड़ी बात है। कितने हज़ारों बच्चों को घर तक पहुंचा पाए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, झारखंड की बात करूं, यानी कि दूर दराज से जो बच्चे किसी के बहकावे में आ जाते हैं या फिर किसी गलत फहमी में आ जाते हैं, भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं, वो बच्चे जब चाइल्ड लेबर में होते हैं तो पुलिस रेस्क्यू करती है और ऐसे बच्चों को पनाह मिलती है MDD बाल भवन जैसे भवनों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलिस्ता आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब वो झारखंड अपने परिवार वालों के पास वापस जाएगी, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ CWC और MDD बाल भवन का रहता है, जो समय समय पर ऐसे बच्चों की हर 3 महीने में लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील यही रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं IBAN 24, मैं हूँ महक शर्मा, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।